नमस्कार। आज हम लोग 10th क्लास का चैप्टर 2.3 का 2 नंबर का 2 क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। तो देखिए क्या दिया हुआ है, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 gx दिया हुआ है और 3x4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 gx दिया हुआ है, px दिया हुआ है। तो gx से px को भाग देंगे, 3x4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 को x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 से भाग देंगे। तो क्या होगा, यहाँ 3x4 है और यहाँ x स्क्वायर है, इसलिए यहाँ 3x स्क्वायर हो जाएगा, 3x स्क्वायर और x स्क्वायर x4 हो जाएगा, 3x4। 3x स्क्वायर को 3x से गुना करेंगे तो कितना होगा, प्लस 9x क्यूब हो जाएगा। फिर 3x स्क्वायर को प्लस 1 से गुना करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस प्लस माइनस हो गया, प्लस प्लस माइनस हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया। देखिए ये पूरी तरह से कट रहा है और यहाँ बड़ा का चिन्ह माइनस आ गया और 9 में 5 जाने से 4x क्यूब। अब यहाँ माइनस 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 चिन्ह, 7 और 3 10x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2x प्लस 2। अब फिर देखेंगे यहाँ x स्क्वायर है और यहाँ माइनस 4x क्यूब है, इसलिए माइनस 4x से करेंगे तो माइनस 4x क्यूब हो जाएगा। अब माइनस 4x को फिर प्लस 3x से करेंगे कितना होगा, माइनस 12x स्क्वायर। फिर माइनस 4x को प्लस 1 से करेंगे तो माइनस 4x हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये प्लस माइनस प्लस हो गया, तो ये मेरा माइनस प्लस में कट जा रहा है और यहाँ हो गया बड़ा का चिन्ह प्लस आया है तो 2x स्क्वायर, ये प्लस चिन्ह 6x प्लस 2। अब मेरा यहाँ x स्क्वायर है, x स्क्वायर है, यहाँ 2x स्क्वायर है तो हो जाएगा प्लस 2, प्लस प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 2, 2x स्क्वायर को फिर 3x से करेंगे तो हो जाएगा प्लस 6x, फिर 2 को 1 से करेंगे हो जाएगा 2 प्लस चिन्ह, प्लस प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस प्लस माइनस, प्लस प्लस माइनस, तो ये मेरा पूरी कट जा रहा है, यहाँ मेरा 0 हो गया। अतः अब प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का कौन सी गुणनखंड है, क्वेश्चन मेरा क्या था, गुणनखंड है या नहीं है, तो गुणनखंड है। धन्यवाद।